स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान जीके अड्डा में, जहाँ मैं आपको जीके मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो हिंदी में प्रोवाइड करवाता हूँ। अभी हम इस कड़ी के अंदर राजस्थान जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान की सीमाएं व अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों। तो दोस्तों मैं राजस्थान से जुड़े हर टॉपिक पे अलग वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे विस्तार से रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका हर टॉपिक अच्छा क्लियर हो और उससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। इसलिए मैं हर टॉपिक वाइज वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो दोस्त मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको वीडियो आपको पास। राजस्थान का जिला मानचित्र आप यहाँ देख सकते हैं। राजस्थान में सारे जिलों की स्थिति और ये जो डॉट 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 लाइन दिखाई गई है रेड कलर की, जो जैसलमेर जिले के पास है, ये रेड क्लिफ लाइन दिखाई दे रही है आपको। पाकिस्तान और राजस्थान के चारों तरफ चारों दिशा में स्थित राज्यों की स्थिति आप नक्शे में देख। ये नक्शे को राजस्थान की सीमा याद करने के लिए एक नक्शा, जो कि कुल सीमा 9,520 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय इतनी बताई गई है पाकिस्तान, हर नक्शे के हिसाब से जोड़ दी गई। राजस्थान की सीमाएं स्थलीय सीमा, पहले जानते हैं स्थलीय सीमा क्या होती है। वह सीमा जिसके किसी भी तरफ जल ना हो, या समुद्र महासागर या जल ना हो, तो चारों तरफ स्थल हो, तो वो स्थलीय सीमा कहलाती है। तो कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय है और 4,850 किलोमीटर अंतरराज्य है। स्थलीय सीमा वह सीमा जिसके किसी भी तरफ महासागर, समुद्र या सागर हो, जल हो, वो स्थलीय सीमा बन जाती है। लेकिन राजस्थान चारों तरफ से स्थल से घिरा है, अतः राजस्थान की कोई स्थलीय सीमा नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा राजस्थान एक देश पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि जिसकी कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। राजस्थान 5 अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से कुल 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्य सीमा बनाता है। आइए हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की कुल 1,070 किलोमीटर कुल सीमा 1,070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के चार जिलों से लगती है। गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर से 168 किलोमीटर, जैसलमेर से 464 किलोमीटर, बाड़मेर से 228 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा शुरू कहाँ से होती है? राजस्थान के उत्तर दिशा में गंगानगर जिले के हनुमान कोट, ये रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभिक बिंदु है राजस्थान में, से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के सहगढ़ बाकसर गांव में ये रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु है। इस दोनों गांवों तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। पाकिस्तान के दो राज्य यानी तीन जिले वापस रेड क्लिफ रेखा राजस्थान से राजस्थान की सीमा को छूते हैं। एक पंजाब और सिंध राज्य, दो राज्य छूते हैं। इनमें से जिले पंजाब राज्य का बहावलपुर जिला और सिंध राज्य का खैरपुर और मीरपुर जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है, जिनसे जुड़े क्वेश्चन जो आ चुके हैं और आने लायक हैं। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर जिला लगातार बनाता है, 464 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा बीकानेर जिले की लगती है, 168 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर जिले का। रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर जिला, पास गंगानगर, दूर बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल की नजर से सबसे छोटा जिला श्री गंगानगर। अभी तक
जनसंख्या के हिसाब से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं जोड़ रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, उसे जोड़ दिए। पाकिस्तान के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के जिले जो राजस्थान के सीमा, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? बहावलपुर जिला। और राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा? खैरपुर जिला बनाता है। बीकानेर और गंगानगर जिले से पाकिस्तान का बहावलपुर जिला सीमा बनाता है पंजाब राज्य का, और बाड़मेर से मीरपुर जिला सीमा बनाता है, जैसलमेर से खैरपुर, ये दोनों सिंध राज्य के जिले हैं। अब पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्य की सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय हम पढ़ चुके हैं, अंतरराज्य, अंतरराज्य भारत पांच अन्य राज्यों पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात से 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्य सीमा बनाता है। राजस्थान के कुल अंतर्राज्य सीमा वाले जिले 23 और राजस्थान के केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले 21, 23 और 21। ये अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले 23 और केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले 21, क्योंकि इनमें से दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, जो अंतर्राज्य भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। इसलिए केवल अंतर्राज्य पूछा जाए तो 21 जिले और अंतर्राज्य पूछा जाए तो कुल में आएंगे उस टाइम 23 जिले होंगे। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, कौन से? गंगानगर, जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाता है। बाड़मेर, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और गुजरात के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाता है। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बीकानेर और जैसलमेर, ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसी भी अन्य राज्य से इनकी सीमा नहीं लगती, इसलिए ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान का बाड़मेर जिला पाकिस्तान के मीरपुर जिले से रेल सेवा से जुड़ा है। राजस्थान के परिधेय जिले यानी वो जिले जिनकी सीमा ना तो, या तो अंतर्राष्ट्रीय लगेगी या अंतर्राज्य लगेगी या दोनों से लगेगी। परिधेय जिले वो हो गए जिनकी सीमा या तो अंतर्राष्ट्रीय लगे किसी देश से या किसी राज्य से लगे या देश या राज्य दोनों से लगे, तो वो परिधेय जिले, इनकी संख्या होगी 25। और राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना ही किसी राज्य से, ना किसी देश और राज्य दोनों से, तो वो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, इनकी संख्या 8 है। नागौर, पाली, जोधपुर, दौसा, अजमेर, बूंदी, टोंक और राजसमंद, ये 8 जिले हैं, तो इनको भी जरूरी अंतर्वर्ती जिले कितने हैं राज्य में? 8, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है। भरतपुर जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। धौलपुर जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से सीमा बनाता है। बांसवाड़ा जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। राजस्थान की सीमा परिस्थित देश व राज्यों की स्थिति। पश्चिम व उत्तरी पश्चिम दिशा में पाकिस्तान देश है, उत्तर दिशा में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण दक्षिण पश्चिम में गुजरात। ये हर जिले की स्थिति दिखाई गई है आपको। पंजाब, पंजाब राजस्थान, राजस्थान के दो जिले पंजाब की सीमा को लगाते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो जिले पंजाब से लगते हैं। वापस पंजाब के दो जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, फिरोजपुर जिसे फजलिका भी कहते हैं और मुक्तसर, ये दो जिले भी पंजाब के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 89 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है अंतर्राज्यीय सीमा वाले राज्यों में से। हरियाणा, हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले लगते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी,
ये राजस्थान के जिले, अभी मैंने बताया हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये राजस्थान के जिले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं, सात जिले। अब हरियाणा के जिले जो राजस्थान के साथ लगते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये सात जिले जो राजस्थान के साथ लगते हैं। इन भारत राजस्थान और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। तो इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना था, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था, जयपुर के साथ हरियाणा के कौन से जिले की सीमा बनाती है। तो जयपुर के साथ महेंद्रगढ़, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला जयपुर के साथ सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन का टाइप अलग से आ गया, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हर जिले के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है। जैसे जयपुर इंपोर्टेंट था तो जयपुर से पूछा गया जयपुर की सीमा से कौन सा हरियाणा का जिला सीमा बनाता है, तो ये महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा के साथ जयपुर के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान के दो जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। वापस उत्तर प्रदेश के दो जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, आगरा व मथुरा। और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली कुल अंतर्राज्यीय सीमा 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। वापस मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शिवपुरा, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शाजापुर और मुरैन, ये 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के साथ लगने वाली कुल अंतर्राज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। गुजरात, गुजरात के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये 7 जिले राजस्थान के गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब गुजरात के 5 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, दाहोद, ये 5 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और कुल सीमा की लंबाई, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर। अब हर राज्य से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूर जिला मुख्यालय वाला और पास और कम वाले जिले अपन देखेंगे। ये सारे इंपोर्टेंट है क्योंकि इनसे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आने लायक भी है। जैसे पंजाब से सबसे ज्यादा सीमा गंगानगर जिले की लगती है, पंजाब से 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो सबसे ज्यादा सीमा गंगानगर जिले की लगती है और कम हनुमानगढ़ जिले की लगती है। और पंजाब की सीमा के साथ पास, सीमा के पास जिला मुख्यालय गंगानगर का है, दूर हनुमानगढ़ का है। और सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला गंगानगर और छोटा हनुमानगढ़। तो ये इजी है, कुछ भी बड़ा पूछेंगे, ज्यादा पूछेंगे या पास पूछेंगे तो ये गंगानगर जिला है, दूर छोटा ये सब हनुमानगढ़ जिला है। हरियाणा, हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा हनुमानगढ़ की लगती है, जबकि सबसे कम किसके साथ लगती थी, पंजाब के साथ। हरियाणा के सबसे ज्यादा सीमा हनुमानगढ़ से लगती है और सबसे कम सीमा जयपुर के साथ लगती है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जयपुर के साथ कौन से जिले की सीमा कम लगती है, तो कौन से राज्य की सीमा कम लगती है, तो हरियाणा राज्य। हरियाणा सीमा के पास जिला मुख्यालय पास है हनुमानगढ़ जिले का और दूर है जयपुर का। हरियाणा सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला चूरू और सबसे छोटा झुंझुनू। मेवात हरियाणा का नवनिर्मित जिला है जो कि राजस्थान के अलवर के साथ सीमा बनाता है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अलवर के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है, या मेवात, क्योंकि ये नया जिला है, नया जिला है इसलिए क्वेश्चन आने लायक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा भरतपुर जिले की लगती है और सबसे कम धौलपुर जिले की लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास जिला मुख्यालय भरतपुर जिले का व दूर जिला मुख्यालय धौलपुर जिले का। उत्तर प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भरतपुर और सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिले की व कम भीलवाड़ा जिले की लगती है। सीमा के पास जिला मुख्यालय धौलपुर जिले का व दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा का है।
मध्य प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भीलवाड़ा व सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला है। गुजरात गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर जिले की और न्यूनतम सीमा बाड़मेर जिले की लगती है। वह सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर व दूर जिला मुख्यालय बाड़मेर है। गुजरात सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बाड़मेर और सबसे छोटा डूंगरपुर। तो ये आपको हर जिले की स्थिति देखनी है कि हर जिले से जुड़ा बड़ा ज्यादा सीमा कौन बनाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है और सब पास जिला मुख्यालय कौन सा है। और ये भी याद रखना है तीनों, छोटा कौन सा है, दूर जिला मुख्यालय कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला छोटा है। तो ये इनमें से हर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और आने लायक भी है, तो ये डेटा आप याद रखें। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर जो कि गुजरात राज्य के साथ बनाता है, और सबसे ज्यादा झालावाड़ जिला बनाता है अंतर्राज्य मध्य प्रदेश से। ये भी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, हर पॉइंट से। सबसे ज्यादा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर जो कि गुजरात के साथ बनाता है, और सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ जिले की लगती है जो कि मध्य प्रदेश से लगती है। कोटा एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, वो कोटा जिला। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और सबसे कम बनाने वाला राज्य पंजाब 90 किलोमीटर। पाली जिला सबसे ज्यादा 8 अन्य जिलों से क्वेश्चन सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्वर्ती सीमा बनाता है, या कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो वो पाली है 8 जिलों से। राज्य के दो जिले खंडित जिले हैं। खंडित जिले मतलब उनके थोड़े भाग मुख्य जगह से दूर होकर दूर है, जैसे अजमेर, अजमेर से तोड़गढ़ थोड़ा सा नक्शे में देखिए आप, तोड़गढ़ दूर है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से रावतबाटा एक साइड में है, इसलिए इनको खंडित जिले माना गया है। दो खंडित जिले अजमेर व चित्तौड़गढ़, अजमेर से तोड़गढ़ खंडित है और चित्तौड़गढ़ से रावतबाटा। राजस्थान से केवल और केवल, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये केवल दो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। नागौर, जयपुर और उदयपुर 7 अन्य जिलों से सीमा बनाते हैं। तो क्वेश्चन अब वो पाली वाला क्वेश्चन कॉमन हो चुका है कि पाली कितने जिलों के साथ सीमा बनाता, 8। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर का पूछते हैं कि सर्वाधिक दूसरे नंबर का कम कौन सा, वह जिले जो 6 के साथ सीमा बनाते, तो अजमेर 6 के साथ बनाता। अब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन छोड़ के थोड़ा घुमाने लगे है, दूसरा तीसरे पे आ गया। पहले पे पूछे जाते थे, अब ये दूसरे तीसरे का पूछते हैं। तो नागौर, जयपुर और उदयपुर 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं और अजमेर 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और कम का भी याद रखें, श्री गंगानगर, झुंझुनू, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और धौलपुर जिले हैं जो दो दो जिलों के साथ सीमा लगते हैं, दो दो जिलों के साथ सीमा लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाले और वीडियो को आप देख सकें, और अपने मित्रों और दोस्तों और स्टडी ग्रुप में मेरा वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन, डाउट या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। राजस्थान जीके अड्डा यूट्यूब पर मेरा चैनल, जहाँ मैं जीके और रीजनिंग हिंदी में प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस arjunclasses.help@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप अपना सुझाव या कमेंट, डाउट जो भी है, व्हाट्सअप नंबर 9024363553 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो। थैंक यू दोस्तों।